सभी भाई और बहनों को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आज प्रभु ने एक मौका और दिया, उसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ। पिछले हफ्ते अपन लोगों ने प्रभु के वचन से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय का अध्ययन किया था, और वो है कि आत्मिकता और सांसारिकता, इन दोनों में क्या अंतर है। इस विषय का अध्ययन हमने इसलिए किया था क्योंकि एक व्यक्ति जिसने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है, उससे हम ये उम्मीद करते हैं कि वो उद्धार पाने के बाद आत्मिक जीवन बिताएगा, इसलिए कि अब वो एक आत्मिक परिवार का अंग है या सदस्य है, और चूंकि वो एक आत्मिक परिवार का अंग है इसलिए उससे ये उम्मीद की जाती है कि वो एक आत्मिक जीवन बिताएगा। लेकिन प्रभु के वचन में हमने पिछले हफ्ते ये देखा था कि कई बार प्रभु के बच्चे लापरवाही के कारण या जानबूझकर आत्मिक जीवन बिताने के बदले सांसारिक जीवन बिताते हैं, सांसारिक मनुष्यों के समान व्यवहार करते हैं। उसका परिणाम क्या है ये हम उसके पहले देख चुके हैं। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि यदि आपस में प्रतियोगिता हो, प्रतिस्पर्धा हो, विश्वासी लोग एक दूसरे से यदि प्रतियोगिता करते हैं, आपस में जलन की भावना यदि उनके मन में आती है या उनमें गुटबाजी होती है, मैं फलाने ग्रुप गुट में हूँ, मैं फलाने में हूँ, तो ये सब सांसारिकता के, आत्मिकता के बदले सांसारिकता के लक्षण हैं। आत्मिक जीवन का एक और पहलू है जिसके बारे में आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो हमको मिलता है इब्रानियों की पत्री 5वें अध्याय के 11वें पद में, बाइबल के उत्तरार्ध में, नए नियम में पेज 307 पर है ये। इब्रानियों की पत्री 5वें अध्याय के 11वें पद से हम ये देखते हैं। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी हैं जिनका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। देखिए, कई बार मैं ये याद दिला चुका हूँ और हम सब इस बात को बहुत ही स्पष्टता से जानते हैं कि जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करता है तो वो आत्मिक जीवन में शिशु होता है। जिस तरह से संसार में एक नवजात शिशु है, वो महीने दर महीने बल्कि दिन पर दिन वो शिशु बढ़ता चला जाता है, और हम उस शिशु से उम्मीद भी ये करते हैं कि शिशु यदि सामान्य है तो हर दिन उसका वजन बढ़ेगा, हर दिन वो और सक्रिय होगा, हर दिन वो शिशु अपने आसपास की चीज़ों को समझने लगेगा, कुछ समय के बाद वो स्पष्टतया बोलने लगेगा, पहले शायद माँ या मम्मी शब्द उच्चारण करेगा या करेगी, लेकिन उसके बाद धीरे 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 शिशु की बोली में फर्क आएगा, वो और अधिक शब्दों को सीखेगा, हर बात को स्पष्टतया बोलेगा। उसके बाद इतना ही नहीं, उसके साथ साथ हम ये भी उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे वो पलट कर लेटेगा, घुटनों पर उठेगा, घुटनों पर चलेगा, कुछ समय के बाद अपने आप खड़े होने की कोशिश करेगा, गिरते पड़ते वो खड़े होकर चलने की कोशिश करेगा, कुछ समय के बाद वो शिशु सामान्य रूप से चलने लगेगा, उसके और कुछ समय के बाद वो ऐसी उम्र में पहुंच जाता है जब वो हर बात में माँ बाप की मदद करने की कोशिश करता है। कल तक माँ बाप उससे जो बोलते थे वो उसको साफ साफ समझ में नहीं आता था, लेकिन अब उसको ये बात समझ में आने लगी है। जैसे मम्मी से पूछे कि मम्मी मैं आपकी मदद करूं क्या, तो मम्मी एक बंद डिब्बा उसके हाथ में देकर यदि उससे बोलती है कि एक काम करो,
काला जो काली अलमारी है या जो लाल अलमारी है उसके तीसरे खाने में रख देना, तो बच्चा अलमारी शब्द का मतलब समझता है, समझने लगता है, काला या लाल का मतलब समझने लगता है, दूसरे या तीसरे खाने का मतलब समझने लगता है, और वो ये भी समझ जाता है कि मम्मी चाहती हैं कि मैं इसको लेकर फलानी जगह ले जाकर इसको रख दूं। उसके और कुछ समय के बाद क्या होता है, डिटेल्स नहीं बताने पड़ते, सिर्फ बच्चे से ये बोलना पड़ता है कि फलाने काम में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बच्चे को मालूम है कि वो काम क्या है, बच्चे को ये मालूम है कि उसके लिए औजार क्या है, बच्चे को ये भी मालूम है कि क्या मदद चाहिए। मैच्योर उम्र की स्त्रियों को यदि आपने देखा होगा तो घर में कोई पार्टी होती है या खाना होता है या सब लोग एक साथ एकत्रित होते हैं और यदि 10, 20, 50 लोगों के लिए खाना बनाना होता है तो वो स्त्रियां एक साथ बैठकर सब्जी छीलती हैं, प्याज छीलती हैं, प्याज काटती हैं, अदरक साफ करती हैं, मिर्ची काटती है, कुछ बोलना नहीं पड़ता है। कोई व्यक्ति बाकायदा पेपर पे लिस्ट नहीं रखता कि छोटी तुम ऐसा करो, मंजली तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, बल्कि काम है यदि किसी ने कह दिया और यदि बोल दिया कि आओ अपन कुकिंग की तैयारी करें तो सारी स्त्रियां और कई बार पुरुष लोग भी उनके साथ जुड़ जाते हैं और उस कार्य को करने लगते हैं। तो एक शिशु जो पैदा हुआ था जो इवन आवाज को स्पष्टतया नहीं पहचानता था, वो शिशु जब अपने जीवन में परिपक्व व्यक्ति हो जाता है तो उसको तो सिर्फ सुनने की देर है कि आओ खाने की तैयारी करते हैं, इमीडिएटली उसको मालूम हो जाता है कि क्या होने जा रहा है, कैसे होने जा रहा है और उसको क्या करना है। खाना बनाने के बाद यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति अनाउंस करता है आओ हम खाना परोस दें या खाना लगा दें, दो या तीन वाक्य या दो या तीन शब्द हैं, लेकिन सुनने के बाद सुनते ही वो जो परिपक्व व्यक्ति है, मैच्योर व्यक्ति है, वो समझ जाता है कि खाना लगाना है। वो व्यक्ति ये भी समझ जाता है कि उसमें मेरी कुछ जिम्मेदारी है, उसको ये मालूम है कि मुझे नाम लेकर बुलाया नहीं गया लेकिन इसके बावजूद मेरी जिम्मेदारी है। वो व्यक्ति वहाँ पहुँच कर जो उससे हो सकता है वो करता है। तो एक व्यक्ति अपने जीवन में शैशव अवस्था से परिपक्व अवस्था में पहुंचता है तो उसके जीवन में इस तरह के कई बदलाव आते हैं। एग्जैक्टली इसी तरह से आत्मिक जीवन में है। आत्मिक जीवन में जब हम शैशव अवस्था में होते हैं तब हम सिर्फ दूध पी पाते हैं। पिछले हफ्ते हमने पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय में ये देखा था कि मैं तुमको, तुम अन्य नहीं खा पा रहे, मैं तुमको दूध पिला रहा हूँ। जो व्यक्ति अपने आत्मिक जीवन में आत्मिक बने रहने के बदले सांसारिक बन जाता है या कार्नल बन जाता है, उसकी स्थिति ये होती है कि वो दूध, प्रभु के वचन का सिर्फ दूध ही दूध पी पाता है, प्रभु के वचन की असल चीज़ें जो ठोस चीज़ें हैं उसको नहीं समझ पाता। इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय में जब हम आते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। ऊंचा सुनने का मतलब क्या है? अपन नॉर्मल जब बात करते हैं तो अपनी एक नॉर्मल बोली होती है, नॉर्मल आवाज होती है या नॉर्मल वॉल्यूम होता है, लेकिन जो कान से ठीक से सही सुन नहीं पाता उसके पास जाके अपन कैसे बात करते हैं। जैसे दादाजी को यदि कान में सुनने की परेशानी हो तो अपन दादाजी के पास जाके ये थोड़ी बोलते हैं, दादाजी आपके लिए हम चाय ले आए हैं। नहीं, दादाजी के पास जाकर दादाजी चाय ले आए हैं इस तरह से बोलेंगे तो भी उनको सुनाई नहीं देता, इसलिए अपन उनके पास जाके दादाजी चाय, तब दादाजी को हल्की सी आवाज सुनाई देती है कि हाँ कोई चाय लाया है। इसको बोलते हैं ऊंचा सुनना, मतलब सामान्य बोली में बोलो
तो सुनाई नहीं देता, ऊंचा बोलना पड़ता है तब वो सुन पाता है। इसको अपन हिंदी में बोलते हैं ऊंचा सुनना। आत्मिक जीवन में ये उम्मीद की जाती है कि बच्चा जैसे जैसे आत्मिक जीवन में बढ़ेगा वैसे वैसे उसको आत्मिक बातें सामान्य तरीके से बता दी जाएं तो वो समझ जाएगा। जैसे आज मैं आपके सामने ऐसे लोगों से बात कर रहा हूँ और ऐसी बोली में बोल रहा हूँ, ऐसे वाक्यों में बोल रहा हूँ जो सामान्य लोगों से बोला जाता है। लेकिन प्रभु का वचन ये याद दिलाता है कि यदि हम अपने आत्मिक जीवन में जिस दिशा में जाना चाहिए उस दिशा में ना जाएं तो, किस दिशा में ना जाएं तो वो अभी अपन पढ़ेंगे आगे, उस दिशा में नहीं जाएंगे तो हमारी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि ऊंचा सुनने लगेंगे। मतलब मैं आपके सामने खड़े होकर आज जिस तरह से सामान्य तरीके से सामान्य भाषा में बोल रहा हूँ उसके बदले मुझे आपके सामने खड़े होकर बोलना पड़ेगा। आज अपन एक कहानी सुनेंगे, खूब कहानी सुनी पिछले हफ्तों में, है ना। चलो तुम लोग बताओ आज मैं उसमें से कौन सी कहानी सुनाऊं। बच्चों से ऐसे बोलते हैं। प्रभु का वचन याद दिलाता है कि यदि हम अपने आत्मिक जीवन में लापरवाह हों तो पहली बात प्रभु के वचन का जो ठोस अन्न है उसको नहीं खा पाएंगे यदि हम सांसारिक हों। यहां लिखा है कि आत्मिक जीवन में ऐसी अवस्था आ सकती है कि कानों से सुन नहीं पा रहे, ऊंचा सुनने लगे हैं। कारण क्या है? 12, समय के विचार से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए, लेकिन ये जरूरी हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचन की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब दूध ही चाहिए। इसके आगे इसकी चाबी, मतलब ये कह क्या रहे हैं, प्रभु का वचन क्या कह रहा है, ये अगले हफ्ते में। दूध पीने वाले बच्चे को धर्म के वचन की पहचान नहीं होती क्योंकि वह बालक है। अन्य सयानों के लिए है जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई हैं। पिछले हफ्ते हमने एक विशेष विषय का अध्ययन किया था, आत्मिकता सांसारिकता। आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं आत्मिक सयानापन, आत्मिक मैच्योरिटी और आत्मिक बालकपन, आत्मिक इमैच्योरिटी। मैच्योर इमैच्योर तो हम सब जानते हैं। आत्मिक जीवन में भी इसी तरह से एक व्यक्ति आत्मिक रूप से सयाना भी हो सकता है, आत्मिक रूप से बालक भी हो सकता है। तो दो अलग अलग आइडियाज पिछले हफ्ते और इस हफ्ते मैंने आपके सामने रखे। ये दोनों लगातार मैंने इसलिए रखे कि इन दोनों में आपस में काफ़ी संबंध है और इसलिए यदि दोनों को तुलना करके हम अध्ययन करें तो विषय के ऊपर और अधिक प्रकाश पड़ सकता है। पिछले हफ्ते हमने देखा कि आत्मिक जीवन बिताने के बदले यदि कोई व्यक्ति सांसारिक ही सांसारिक जीवन बिताता है तो फाइनली प्रभु के वचन की जो कठिन बातें हैं या अन्य उसको वो नहीं ग्रहण कर पाता। यहाँ हम देखते हैं कि आत्मिक जीवन में जिस व्यक्ति को बालकपन से लेकर सयानेपन तक जाना था वो यदि बालक ही बना रहता है तो वो भी अन्न नहीं खा पाता, उसको तो अन्न के बदले दूध ही चाहिए। तो आत्मिक जीवन में दो बातें हैं, जब व्यक्ति के जीवन में जो विकास हम देखना चाहते हैं वो नहीं दिखता है। नंबर वन, एक व्यक्ति आत्मिक जीवन बिताने के बदले यदि वो सांसारिक जीवन बिताए तो उसके जीवन में जो बढ़त होनी चाहिए, उसके जीवन में जो फल दिखना चाहिए, उसके जीवन में जो परिपक्व मैच्योर व्यवहार होना चाहिए वो नहीं दिखता है। दूसरी ओर जब हम आत्मिक जीवन में जन्म लेते हैं उसके बाद धीरे धीरे शैशव से बालक, बालक से जवान और जवान से सयाना, आत्मिक जीवन में मैच्योर ऐसा
प्रभु का वचन हमसे ऐसी उम्मीद करता है, लेकिन यदि हमारे जीवन में ऐसा ना हो तो हम बिल्कुल सांसारिक लोगों के समान व्यवहार करते हैं, अन्न नहीं खा सकते, अभी भी हमको दूध चाहिए। इन दोनों चीज़ों को जरा हम कंपेयर करके देखें, ये दोनों ऐसी बातों को बताती हैं जो हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? एक विश्वासी आत्मिक परिवार में जन्म लिया है, इसलिए उसके जीवन में सिर्फ आत्मिकता होनी चाहिए। अपने परिवार का स्वभाव छोड़कर उसे संसार के स्वभाव की तरफ नहीं जाना चाहिए। आज हमने देखा कि हमने आत्मिक परिवार में जन्म लिया है, इसलिए जीवन में जो बढ़त होनी चाहिए, जिस क्रम से होना चाहिए उस क्रम से हमारे जीवन में बढ़त होनी चाहिए। आज से कितने साल पहले आपने प्रभु को ग्रहण किया, जरा सोच कर देखें। सांसारिक जीवन में जब एक बच्चा पैदा होता है तो एक 3 साल की उम्र में उससे ये उम्मीद की जाती है कि अभी है तो बच्चा, लेकिन माँ बाप से स्पष्ट तरीके से बात करेगा और माँ बाप उससे जो कहेंगे एग्जैक्टली वैसा ही करेगा। जब वही व्यक्ति 13 साल का हो जाता है तब हम उससे बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं, वो करो ये करो, बेटा दुकान जाकर दूध खरीद लाओ, ये सब वो 13 साल की उम्र में आराम से करने लगता है। वही बालक जब 30 साल का हो जाता है, शादीशुदा हो जाता है, बाल बच्चेदार हो जाता है, फिर तो उसके माँ बाप उससे ये उम्मीद करते हैं कि अब तो वो परिवार की सारी जिम्मेदारियाँ बिना उसको बताए ही समझकर जिम्मेदारियाँ शेयर करेगा। और 30 का ये बच्चा जब 40 का हो जाता है तब तो माँ बाप उससे एडवाइस लेने लगते हैं कि बेटा अब तुम बताओ कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। लेकिन यदि 30 साल का बच्चा यदि 3 साल के बच्चे के समान व्यवहार करने लगे तो उसका मतलब है कि उसकी परिपक्वता में कहीं कोई दोष आ गया है, कोई परेशानी आ गई है। ऐसा होता है, इस तरह की कई बीमारियां होती है जो मनुष्य के मस्तिष्क को इतनी बुरी तरह से जकड़ लेती हैं कि वो जो मैच्योर व्यक्ति है वो भी बालक के समान व्यवहार करने लगता है। ऐसा होता है, यदि आपने बड़े बूढ़ों को देखा हो, एक उम्र के बाद हिंदी में तो अपन कहते हैं कि 60 में आदमी सटिया जाता है, जिसका मतलब है कि 60 के बाद उसका व्यवहार बदलने लगता है। यदि आपने अपने परिवार में देखा हो, कई बार लोग जब 70 या 80 साल के हो जाते हैं बच्चों के समान व्यवहार करने लगते हैं, कपड़े उतार के फेंक देते हैं, जहाँ बैठे हैं वहीं मल मूत्र विसर्जन करते हैं। जब वो 8 दिन के थे तब जो करते थे वो 80 साल की उम्र में भी कर रहे हैं। क्यों? 80 साल की उम्र में उनके दिमाग में, मस्तिष्क में जो रासायनिक परिवर्तन हुआ है उसके कारण उनका जो परिपक्व स्वभाव था वो किसी तरह से ढंप गया है, जिसके कारण वे बालक के समान व्यवहार करने लगे हैं। ये बात हम सब जानते हैं, हम में से हर एक के परिवार में या नाते रिश्तेदारी में इस तरह की बातें होती हैं। आत्मिक जीवन में भी ऐसा ही है। आत्मिक जीवन में जिसने प्रभु में जन्म लिया वो धीरे 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 अपने आत्मिक जीवन में प्रोग्रेस करता है, उन्नति करता है और आत्मिक जीवन में परिपक्व बन जाता है। लेकिन यदि वो अपने आत्मिक जीवन में लापरवाह रहे तो जिस तरह से 80 साल का बूढ़ा बच्चे के समान व्यवहार करने लगता है, उसी के समान आत्मिक रूप से जो व्यक्ति कल तक मैच्योर था, परिपक्व था, आज वो इमैच्योर व्यवहार करने लगता है। प्रभु का वचन 1 कुरिन्थियों 3 में याद दिलाता है आत्मिक लोगों को आत्मिक व्यवहार करना चाहिए, आत्मिक जीवन बिताना चाहिए। इब्रानियों की पत्री 5वां अध्याय आखिरी पोर्शन हमको याद दिलाता है यदि नया जन्म पाने के बाद आत्मिक रूप से परिपक्व होने का समय हो गया है तो
आपसे और मुझसे ये उम्मीद की जाती है कि हम आत्मिक रूप से परिपक्व व्यवहार करेंगे, लेकिन यदि हमसे परिपक्व व्यवहार नहीं हो पा रहा है तो हम जरा मुड़ कर देखें कि क्यों हमसे एक मैच्योर एक सयाने व्यक्ति के समान व्यवहार नहीं हो पा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं आत्मिक के बदले सांसारिक जीवन बिता रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछले 5, 10 या 50 साल मैं अपने आत्मिक जीवन में बढ़ता गया एक स्थिति पर आकर किसी कारण से मैं रुक गया और उसके बाद जिस तरह से वो 80 साल का बूढ़ा बच्चों के समान व्यवहार करता है वैसा ही मैं व्यवहार करने तो नहीं लगा। एक कहावत है कि आदमी पैदा होता है तब घुटनों के बल चलता है, जब आता है तब घुटनों के बल चलता है, और जब जाने का समय आता है तब भी घुटनों के बल चलता है। हर कोई तो इस तरह से नहीं चलता, लेकिन कई बुजुर्ग ऐसे हैं जिनकी अवस्था ये हो जाती है। तो जिस आदमी को दौड़ना चाहिए, वजन उठा के दौड़ना चाहिए, वो वजन उठाकर दौड़ने के बदले घुटनों पर चल रहा है, तो उसका मतलब है कि परिपक्व अवस्था से बालकपन की अवस्था में वो वापस जा चुका है। उसी तरह से आत्मिक जीवन में जिस व्यक्ति को एक परिपक्व व्यक्ति के रूप में व्यवहार करना चाहिए, यदि वो बालकपन के साथ व्यवहार करता है तो इसका मतलब है कि कहीं उसके जीवन में ऐसा कोई पॉइंट आया था जहाँ पर रुकावट हुई और रुकावट के कारण उसका विकास रुक गया, और यदि विकास रुक गया तो कल को वो बालक के समान व्यवहार करने लगेगा। याद रखिए, मसीही जीवन एक दौड़ के समान है। दौड़ते समय मान लीजिए 30 किलोमीटर का या 30 के आसपास का मैराथन दौड़ रहे हैं, एक आदमी 5 किलोमीटर दौड़कर यदि रुक जाता है तो वो रुक गया है या पिछड़ रहा है? उसको तो लग रहा होगा कि मैं तो रुक गया, लेकिन जो लोग दौड़ रहे हैं उनकी तुलना में वो पिछड़ रहा है। क्यों? इसलिए कि वो 5 तक पहुंचा, रुक गया, तब तक उसके साथ जो दौड़ रहे थे वो उससे 1 किलोमीटर आगे हो गए, 2 हो गए 3 हो गए 4 हो गए 5 हो गए 10 हो गए, वो पिछड़ रहा है। आत्मिक जीवन में इसी तरह से है। आत्मिक जीवन में एक लेवल तक परिपक्व होने के बाद यदि हम अपने आत्मिक विकास में रुक जाते हैं तो हम वापस बालकपन की तरफ चले जाते हैं। इसलिए यहाँ प्रभु का वचन कहता है, समय के हिसाब से तो तुमको अध्यापक हो जाना चाहिए था, ये उम्मीद की जाती है। अध्यापक का मतलब यहाँ यह नहीं है कि बाकायदा स्कूल में जाकर नौकरी करें। हम में से हर व्यक्ति अध्यापक है, इसको ना भूलें। मैं अपने छोटे भाई बहनों को सिखाने के लिए जब हम बढ़ रहे थे, एक उम्र के बाद मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं अपने छोटे भाई बहनों को सिखाऊं समझाऊं, अध्यापक था। जब मेरे बच्चे पैदा हुए तब मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं उनको सिखाऊं समझाऊं, अध्यापक था। जब आज मंडली में आप लोगों के सामने खड़े होकर प्रभु यीशु का वचन सिखाऊं समझाऊं, फिर से मैं अध्यापक हूं। तो जब प्रभु का वचन कहता है कि समय के हिसाब से तुमको अध्यापक हो जाना चाहिए था, उसके कहने का मतलब यह है एक बालक सिर्फ ग्रहण करता है, एक आत्मिक रूप से सयाने व्यक्ति दूसरों को देता है, वो एक अध्यापक हो जाता है, वो दूसरों को सिखाता है। तो यहाँ लिखा है कि हे जो तुम विश्वासी लोग इस पत्री को पढ़ रहे हो, तुमसे तो मैं उम्मीद करता था कि तुमको उद्धार पाए हुए कितने साल हो गए, इतने सालों में तो तुम इतने मैच्योर हो गए होगे कि तुम नए विश्वासियों को सिखा सको, लेकिन तुम तो ऊंचा सुनने लगे हो। मतलब मैं तुम्हारे सामने आकर एक सामान्य वाणी में और उसके अलावा एक सामान्य जो शब्दावली है उसका उपयोग करके तुम लोगों को प्रभु का वचन नहीं सिखा सकता। जैसे बच्चों से बोलते हैं ना, उस तरह से तुमसे बोलना पड़ा, आओ बच्चों ताली बजाएं, खेलें, गाना गाएं, कहानी सुने, इस तरह से तुमसे बोलना पड़ रहा है। कारण क्या है? कारण यहां पर लिखा हुआ है 13वें पद में,
दूध पीने वाले बच्चों को धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, वो बालक है। अन्य सयानों के लिए है जिनकी ज्ञानी इंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई हैं। हम इस बात को जानते हैं कि जब एक बच्चा एक परिवार में पैदा होता है तो शुरू के साल डेढ़ साल, जनरली 10-12 महीने तो वहीं बिस्तरे पर पड़े पड़े वो विसर्जन करता है, लेकिन 12 महीने का वो बच्चा जब 12 साल का हो जाता है तो फिर तो कुछ बोलना नहीं पड़ता, वो अपने आप टॉयलेट में जाता है, खोल के उसमें बैठ जाता है, जो कुछ करना है वो अपने आप करके पूर्ण साफ सफाई करके बाहर निकलता है। क्यों? 12 साल में भले बुरे में अंतर करने में वो निपुण हो गया है। आत्मिक जीवन में भी ऐसा ही है, जैसे जैसे हम मैच्योर होते चले जाते हैं हर बात को अच्छी तरह से स्पष्टतया समझने लगते हैं, क्या भला है क्या बुरा है क्या प्रभु की इच्छा है ये समझने लगते हैं। आज संध्या को इन दोनों बातों की तुलना करके मैं भाई और बहनों से कुछ पूछना चाहता हूँ। प्रिय भाई प्रिय बहन, जब आपने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया उस समय आप प्रभु यीशु में बालक थे, लेकिन चूंकि शिशु थे, बालक छोड़ी शिशु थे, लेकिन चूंकि आपने एक आत्मिक परिवार में जन्म लिया, इस कारण ये उम्मीद की जाती है या उम्मीद थी कि उस परिवार के स्वभाव में आप बढ़ेंगे। उदाहरण के लिए यदि एक परिवार में सब लोग अंग्रेजी बोलते हैं तो जो बच्चा उस परिवार में पलता है बढ़ता है वो स्वाभाविक रूप से अंग्रेजी बोलता है, उसको अलग से सिखाना नहीं पड़ता है। आप लोग जिस जिस गांव से आए हैं वहाँ जो बच्चे पैदा होते हैं वो उस गांव की भाषा अपने आप सीखते हैं। इसी तरह से प्रभु का वचन ये बताता है, प्रभु का वचन हमको याद दिलाता है, जिस परिवार में हम पले हैं, जिस परिवार में हम पैदा हुए हैं उस परिवार के स्वभाव में हम बढ़ेंगे। तो जो आत्मिक परिवार में जन्म लिया है जिसने, वो जीवन में आत्मिक रहेगा ऐसी उम्मीद है। उसी तरह से जिसने परिवार में शिशु के रूप में जन्म लिया है वो एक एक दिन प्रोग्रेस करेगा, फाइनली भले बुरे के अभ्यास के द्वारा दोनों में अंतर समझ जाएगा। आज शाम को मेरा प्रश्न आप सबसे ये है, मेरे प्रिय भाई या प्रिय बहन, जब प्रभु के वचन की गहरी बातें आपके सामने रखी जाती हैं उस समय आप उसको खुशी और उत्साह के साथ ग्रहण कर पाते हैं या आपको बोरियत होती है, बाप रे ये क्या बात है, इसका क्या मतलब है, इसकी क्या जरूरत है? ये या तो इस बात को दिखाता है कि आप अपने जीवन में आत्मिक जीवन बिताने के बदले सांसारिक जीवन बिता रहे हैं, या इस बात को दिखा रहा है कि आप अपने जीवन में मैच्योर हो गए थे लेकिन वापस अब आप बालकपन की तरफ जा रहे हैं। अक्सर जब प्रभु के वचन की टीचिंग की बात होती है तो लोग मुझसे पूछते हैं, अरे अंकल क्या डॉक्ट्रिन्स, कैसा डॉक्ट्रिन, इसको पढ़ने से या इसके अध्ययन से क्या फायदा? कभी इस तरह का विचार आपके मन में आया है क्या, क्या डॉक्ट्रिन कैसा डॉक्ट्रिन? एक बात याद रखें, उपदेश या डॉक्ट्रिन का मतलब है प्रभु का वचन। प्रभु के वचन में जो कुछ कहा गया है वो सब उपदेश है। प्रभु के वचन का सबसे ज्यादा पॉपुलर पद मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और सबसे पॉपुलर पद है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपने एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु शाश्वत जीवन पाए। यह डॉक्ट्रिन है या और कुछ है? डॉक्ट्रिन है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया
परमेश्वर के स्वभाव को दिखाता है, डॉक्ट्रिन है, कि उन्होंने अपने एकलौता पुत्र दे दिया। त्रित्व के बारे में यहाँ इशारा है, मुक्तिदाता के बारे में इशारा है, प्रभु यीशु के मनुष्यावतारण के बारे में इशारा है। ये डॉक्ट्रिन नहीं तो और क्या है? अपने पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। उद्धार डॉक्ट्रिन है या नहीं है? डॉक्ट्रिन है। नाश ना हो मतलब पाप से उद्धार, वो क्या है? डॉक्ट्रिन है। बल्कि शाश्वत जीवन पाए, ये क्या है? वो भी डॉक्ट्रिन है। तो प्रभु के वचन से कोई भी मतलब की बात यदि हम उठाकर पढ़ें, बोलें या एक दूसरे को समझाएं तो वो डॉक्ट्रिन है। और यदि इसीलिए मैंने आपसे पूछा, यदि कोई कहता है कि अरे क्या डॉक्ट्रिन, कैसा डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन इज वेरी बोरिंग, प्रभु के वचन के उपदेश सुनने में कोई मजा नहीं आता है, सुनने में कोई आनंद नहीं आता है, सुनते ही नींद आती है। जो व्यक्ति ये बोल रहा है वो सही बोल रहा है क्या? जी हाँ, वो सही बोल रहा है। क्यों? इसलिए कि वो अपने रोग के लक्षण बता रहा है कि मुझे ना तो सुनने में मजा आता है, ना आनंद आता है, ना मैं उसको समझ पाता हूं, ना ही मुझे मालूम है कि मेरे जीवन से उसका क्या लेना देना है। आज शाम को मैं पूछना चाहता हूं, मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, आपने आज से कुछ महीने पहले या कुछ साल पहले प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया होगा। उस समय दौड़ दौड़ कर लोगों को प्रभु यीशु के बारे में आपने बताया होगा, या अपने जीवन में जो मुक्ति मिली है उसके बारे में बताया होगा। उस समय आत्मिक परिवार में जन्म लेने के कारण आत्मिक व्यक्ति के समान आप व्यवहार कर रहे थे, लेकिन धीरे 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 5 महीने, 5 साल, 25 साल बीतने के बाद यदि आज जब ये कहा जाता है कि बाइबल स्टडी करें, बाइबल का अध्ययन करें, बाइबल का उपदेश या बाइबल में जो उपदेश है उनको सुने या उनका अध्ययन करें, तब यदि आपके मन में एकदम से आता है अरे क्या उपदेश, तो उसका मतलब है कि हम आत्मिक जीवन में जो उन्नति कर चुके थे किसी एक पॉइंट पर पहुंचकर किसी तो भी कारण से हम वापस बालकपन की अवस्था में लौट चुके हैं या लौट रहे हैं। आज इस संध्या समय हम में से हर व्यक्ति को अपने आप को जांचना जरूरी है कि हम अपने आत्मिक जीवन में आज कहाँ हैं। एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, मैंने आपको आज याद दिलाया कि पैदा होता है घुटनों पर चलता है, जाने का टाइम आता है तब भी घुटनों पर चलता है, बहुत ज़्यादा बूढ़े हो जाने के बाद लोग कई बार बच्चों के समान इस तरह से व्यवहार करते हैं, इसलिए कि उनके ब्रेन में तमाम तरह के रासायनिक परिवर्तन हो गए हैं, वो उनका दोष नहीं है, ठीक है। लेकिन एक 50 साल का हट्टा कट्टा व्यक्ति, उसको जो बोलना नहीं चाहिए उस तरह की वाणी, जिस तरह के शब्द नहीं बोलने चाहिए उस तरह के बुरे शब्द, यदि आपके सामने खड़े होकर बोलता है, सारे कपड़े उतार कर फेंक देता है, जहाँ खड़ा है वहीं सबके सामने नंग धड़ंग विसर्जन करता है, तो आपको ताज्जुब होगा, है ना? जी नहीं, मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा, इसलिए कि सामान्यतया यह व्यवहार कौन करते हैं? शराबी, नशेड़ी, जो लोग शराब पी पी के धुत हो जाते हैं, वो अपनी उम्र को भूल जाते हैं, अपनी डिग्निटी भूल जाते हैं, अपनी सीमाएं भूल जाते हैं, मर्यादाएं भूल जाते हैं, क्या सही है या क्या गलत है ये भूल जाते हैं। जब एक बच्चा घुटनों पे चलता है हमको ताज्जुब नहीं होता है, 80 साल का बूढ़ा अपनी मानसिक कमजोरी के कारण यदि जमीन पर रेंगता है हमको ताज्जुब नहीं होता, ये तो शरीर के विकास के अलग अलग हिस्से हैं। लेकिन एक 50 साल का स्वस्थ आदमी जब इस तरह से व्यवहार करता है तब ऐसा नहीं करना चाहिए, हम इस बात को जानते हैं। क्यों कर रहा है? इसलिए कि उसने अपने दिमाग को
पूरी तरह से कुंद कर देने वाली चीज का सेवन किया है जिसने उसके दिमाग को खराब कर दिया है। ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि आज 21वीं शताब्दी में हम लोग जो जी रहे हैं, हमारे चारों तरफ हजारों ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे दिमाग को शराब के समान नशे से ग्रस्त करके भले और बुरे के बीच में ज्ञान का जो अंतर हर व्यक्ति में होना चाहिए उसको पूरी तरह से ब्लंट कर रहे हैं, धारदार औजार के धार को ख़त्म कर रहे हैं। क्या क्या चीज़ें हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं। दो चार उदाहरण मैं आपके सामने रख सकता हूँ। जो आदमी सुबह से शाम तक और रात तक खेल कूद में डूबा रहता है, इस तरह के बहुत सारे टीवी चैनल है जहाँ सुबह से रात तक 2400 घंटे आप खेल देख सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति सोना भूल जाए, खाना भूल जाए, नहाना भूल जाए और सुबह शाम 24 घंटे उसके पीछे लगा रहे तो कुछ समय के बाद उसका आत्मिक जीवन बिल्कुल बच्चे के समान हो जाएगा। मैं आत्मिक रूप से मैच्योर लोगों की बात कर रहा हूँ। उसी तरह से मान लीजिए आपका सारा समय सांसारिक बातों को देखने में, सांसारिक बातों को एब्जॉर्ब करने में बीतता है, बिल्कुल ऐसा ही होगा। आज से कुछ साल पहले की बात है, मैं पहली बार अपने एक कज़िन से मिला, बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही स्मार्ट बच्चा। लेकिन जब मैंने उससे पूछा कि बेटा तुमने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है क्या, उसको नहीं मालूम। बाइबल पढ़ते हो क्या, उसको नहीं मालूम कि उसे नियमित रूप से बाइबल पढ़ना है। कारण क्या था? उसके माँ बाप ने उसके कमरे में टेलीविजन सेट लगा रखा था। बच्चा जब उठता था तब से लेकर रात को जब सोता था तब तक अपना सारा फ्री टाइम सिर्फ एक प्रकार का वीडियो प्रोग्राम देखता था। हिंदी में आप लोग जानते हैं टार्जन की कहानियाँ आती है, मैंड्रेक की कहानियाँ आती थी, बेताल की कहानियाँ आती थी। इसी तरह से अंग्रेजी में एक कैरेक्टर है स्पाइडरमैन। इस बच्चे को स्पाइडरमैन का नशा हो गया था। उठते से सोते तक बस स्कूल जाने के अलावा बाकी सारा समय वो सिर्फ स्पाइडरमैन प्रोग्राम देखने में बिताता था। वो इस बात को जानता था मुझसे बातचीत में, स्पाइडरमैन कहाँ पैदा हुआ, कैसे सोसाइटी में पैदा हुआ, किसने उसका पालन किया, कैसे उसके अंदर बड़ी अद्भुत शक्तियाँ आई, कहाँ पढ़ा, उसके दोस्त कौन थे, सब बहुत डिटेल में मुझे वो बताने के लिए तैयार था, बताने की कोशिश की। लेकिन उसको प्रभु के वचन की ABCD नहीं मालूम थी, जबकि वो एक बहुत ही ज़्यादा आत्मिक परिवार में पैदा हुआ था। क्या हुआ? माँ बाप से मैंने पूछा तो पता चला कि बचपन में उसने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया था, बाइबल पढ़ा करता था, लेकिन एक पर्टिकुलर एज में उसके बाप ने एक गलती की, उसको बर्थडे प्रेजेंट के रूप में कमरे में टीवी लगवा दिया। जिस तरह से अनजान आदमी को सबसे स्ट्रॉन्ग शराब पिला दिया जाता है, उसके पिता ने उसके साथ ऐसा किया। यदि स्ट्रॉन्ग शराब उसको पिला दिया जाए और उसके बाद यदि वो नंगा नाचे तो उसमें कोई ताज्जुब नहीं है। मेरे और आपके आत्मिक जीवन के बारे में आज शाम को ये बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ। हमारे आत्मिक जीवन में बाधा पहुँचाने वाली कोई भी बात, सुबह दोपहर शाम रात यदि हमको आवरण किए हुए, हमको जकड़े हुए है, तो मैच्योर से मैच्योर व्यक्ति भी
अपने आत्मिक जीवन में वापस इमेच्योर हो जाएगा, बालक के समान व्यवहार करने लगेगा, आत्मिक से आत्मिक व्यक्ति सांसारिक व्यवहार करने लगेगा। इस संदर्भ में आज हम यहाँ जितने लोग एकत्रित हुए हैं, हम में से हर व्यक्ति को अपने जीवन को एक बार और जांच कर देखने की जरूरत है कि जब मैं आत्मिक रूप से बढ़ रहा था उस समय मेरे अंदर जो खुशी, जो उत्साह, जो आनंद और जो शांति और जो निश्चय था वो आज है क्या? यदि नहीं है, क्यों नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे जीवन में जब मैं जा रहा था किसी एक चीज ने आकर उस चीज के नशे से मुझे ग्रस्त करके मेरे दिमाग को वाइप आउट कर दिया, जिससे कि परिपक्व व्यक्ति के बदले मैं एक बालक के समान व्यवहार करने लगा। इन बातों को समझने के लिए प्रभु हम में से हर व्यक्ति की मदद करें। आज प्रभु ने इस तरह से अपने वचन से इन बातों को देखने के लिए जो अध्ययन जो समय दिया, उसके लिए मैं फिर से प्रभु का शुक्रगुजार हूँ।